आरक्षण मिलने तक संघर्ष करेगी निषाद पार्टी। संजय निषाद एक दिवसीय भ्रमण पर कौशाम्बी पहुंचे। निषाद समाज पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा ऐलान किया है। संजय निषाद ने कहा कि उनके समाज ने आरक्षण की मांग को लेकर बीजेपी का समर्थन किया था, लेकिन अभी तक उन्हें आरक्षण नहीं मिला है। समाज ने निर्णय लिया है कि वो अनुसूचित जाति का आरक्षण मिलने तक वोट नहीं करेंगे। आंदोलन की रूपरेखा बताते हुए उन्होंने बताया, द ग्रेट निषाद युवा वाहिनी नाम का संगठन युवा साथियों ने बनाया है, जिसको पूरा समर्थन निषाद पार्टी का हासिल है। समाज के युवा 9 नवंबर से प्रदेश के सभी जिले के जिलाधिकारियों के दफ्तर के सामने क्रमिक अनशन करेंगे। युवा वही खाएंगे, वही रहेंगे, वही डीएम का डंडा खाएंगे। आरक्षण की घोषणा होने तक आंदोलन करेंगे। 21 नवंबर को विश्व मछुआ दिवस पर निषाद पार्टी लखनऊ के रमाबाई मैदान में समाज की ताकत दिखाने के लिए विशाल रैली करेगी। पार्टी खबर जगत के लिए एलएन सिंह की रिपोर्ट। ये लूट लिया पिछली सरकारों ने। अगर हमारी पिछली सरकारों ने 70 लाख हमारी गिनती हुई थी 1961 में और 2011 में 3,000 कर दिया, तो कलम से मार दे तो भारतीय जनता पार्टी कलम चलाकर इन्हें जिंदा रखा है, आखिर किस बात का है? तो मैंने समाज कि अगर आपके प्रमुख मुद्दे हैं पर भारतीय जनता विचार नहीं करती तो क्या गठबंधन किसी और पार्टी से भी? अभी कुछ नहीं, अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और आगे रहेंगे। और मेरे समाज का मुद्दा, हमें उम्मीद है, धन्यवाद दूंगा केंद्र राज्य को कि उन्होंने इसको सार्थक पहल किया, लेकिन कुछ अधिकारियों के गलती में मामला फंसा हुआ। हमको लगता है, उम्मीद है कि जल्दी आरक्षण लागू कर 2022 की विधानसभा में कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगी? अभी हम लोगों ने एनडीए की सरकार बनाने का निर्णय लिया कि जीत होनी चाहिए और 2022 में सत्ता की चाबी मिले। और निषाद पार्टी, निषाद समाज के लोग किंग मेकर की भूमिका में है, क्योंकि जब राम की कैबिनेट में निषाद राज गए थे तब राम राज आया था। अभी राम राज का कैबिनेट है, निषाद राज ना अधूरा है, अगर हो जाए तो फिर राम राज आ जाए, ये हमारा मानना। लेकिन उससे पहले इनके आरक्षण जो मुद्दे हैं, भारतीय जनता पार्टी केंद्र राज्य में सरकार है, वो उनके 2 मिनट का खेल है। वो अधिकारियों का चक्कर छोड़े, अधिकारी पास वोट नहीं है, वही अधिकारी कभी साइकिल लाते हैं, कभी हाथी लाते हैं, कभी इनको लाते हैं, तो अधिकारी ही पड़े हैं कि अंदर से हाथी साइकिल है, ऊपर से कमल है। ऐसे अधिकारी चक्कर में आवे और इस 18% मछुआ समुदाय के जो संविधान में मझवार और तुरैहा, इसका प्रमाण पत्र जारी करें, पिछड़े से नाम निकाले। के लिए हम समाज के साथ रहे। निश्चित रूप से गठबंधन अधिकारी घोषणा हो गई, उसमें घोषणा हुआ था कि जल्दी से इनके आरक्षण का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और इस बार 2022 में जो चुनाव होगा, 80 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं अनुसूचित जाति की, उसमें केवल 3 बिरादरी लड़ती है। चमार भाई लड़ते हैं, सोनकर लड़ जाते हैं, धोबी लड़ जाते हैं, पासी लड़ जाते हैं, 80 सीटें उनकी हैं। तो हमारा नाम तो अनुसूचित जाति में राष्ट्रपति ने लिखा कि वर्तमला मझवार हैं, तो हमारा नाम पिछड़े में डालना गलत है। तो मझवार सर्टिफिकेट देकर हमें अनुसूचित में डालने का वादा हुआ है। और राज्यपाल को पावर है कि लोक सेवा नियम रिजर्वेशन SC ST लोक सेवा, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा जो है, एक SC ST OBC आरक्षण अधिनियम 1994 धारा 13 में राज्यपाल को पावर है कि कौन OBC में होगा, कौन SC में होगा। उन्होंने हमें पिछड़ी जात से निकाल दिया है और कंप्यूटर में डिलीट करने के लिए सूची कह दिया कि हटा दो इन्हें, और सब कुछ 12 जनवरी 2017 को उन्होंने लिख दिया कि इसे ऑनलाइन कर दो। कंप्यूटर में निकालने में 4.5 लग गया, तो पिछड़ी जात से हमें निकालें और मझवार का प्रमाण पत्र, यही काम है, आसान तरीका है। तो भारतीय जनता पार्टी इसे पूरा करे। और गठबंधन के समय कहा था, मुकदमे वापस करने के लिए कहा था, तालघाट नदी छीनी थी 2007 में बचपन, तो अपने वादे पहले पूरा कर दे, तभी तो गठबंधन की बात। दोनों का भविष्य है, एक आरक्षण रैली निकली हुई है और रथ निकला हुआ और जगा रहा प्रदेश भर में। पहले हमारा समाज बेहोश था, वो होश में आ गया, जोश में आ गया, पौआ झुआ भरोड़ पर पौआ का लेवल लगा था, अभी पार्टी का लेवल लग गया। और एक वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया था कि हम 2000 चुनाव से पहले आरक्षण लागू कर देंगे। मझवार लिखा हुआ है कि वटमल्ला को मझवार का सर्टिफिकेट दे देंगे, पिछड़ी जात से हम कि वटमल्ला को निकाल देंगे, कश्यप तुरैहा को निकाल देंगे और मझवार तुरैहा का आरक्षण का प्रमाण पत्र दे देंगे। ये आर्डर भी हुआ, राष्ट्रपति ने लिख रखा कि वटमल्ला मझवार हैं, 70 लाख गिनती हुई थी 1961 में, अब 3,000 कर दिया। पिछली सरकारों ने हमें कलम से मार दिया, तो भारतीय जनता पार्टी मेरे साथ इसीलिए गए थे कि कलम से जिंदा रखेंगे। उसके लिए हमारे नौजवानों ने, हमारे समाज ने निर्णय लिया, पार्टी बनाया, मेरे समाज ने निर्णय लिया 2017 चुनाव लड़ा, विधायक हम, समाज निर्णय लिया 2018 में विरोध में चुनाव लड़ा, और देखो गोरखपुर फूलपुर कैराना नोटबुक, मेरा समाज निर्णय लिया, भारतीय जनता पार्टी साथ आना चाहिए। अब समाज निर्णय लिया नहीं, आंदोलन होना चाहिए, तो द ग्रेट निषाद युवा वाहिनी बनाया है और उस युवा वाहिनी के तहत एक धरना प्रदर्शन युवा कर रहे हैं, उसमें निषाद पार्टी पूरा समर्थन करेगी। और इन लोगों का एक योजना है, एक मानना है कि जब तक हमारा आरक्षण लागू नहीं हो जाता, क्योंकि 3 दिन पहले ओझा पठारी नायक जो मांग नहीं रहे थे पाल का, उन्होंने लिख दिया,
और जिस पे वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें लिखा, तो उनका कहना है क्रमिक अनशन चलेगा, डीएम के सामने रहेंगे, वहीं खाएंगे पिएंगे मरेंगे डंडा खाएंगे, और हमने देश आज़ाद कराया, कोई भीख नहीं मांग रहा, संविधान मिला हक है। वो 21 नवंबर 2021 को लखनऊ के रमा देवी पार्क में एक मछुआ विश्व मछुआ दिवस पर हमें पोलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन की उपाधि मिली, उसमें इस बार यहाँ मछुआ दिवस मनाया जा रहा है, उसमें पूरे के पूरे SC आरक्षण विशाल महारैली होगी। 15 सितंबर 2016 को हम लोगों ने पूरे पूरे 10 लाख लोग आए थे, इस बार बहुत लोग आए। तो आज के दिन में हर जिले में जाकर प्रेस के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि 9 तारीख को हर जिले में जिलाधिकारी के सामने जाएंगे, और सारे नौजवान सारे संगठनों से अपील की जा रही है इस लड़ाई में आने वाली पीढ़ी की, कि आपने सपा बसपा सब को दिया, भाजपा को दिया, तो भाजपा जो वादा पूरा करे, तो उसको जब तक वादा नहीं पूरा करते, हमारे समाज की एक आवाज़ हो गई है कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं।